अस्सलाम वालेकुम, दिस इज स्मार्ट रियल एस्टेट लाहौर। मियां राशिद बोल रहा हूँ। 03024445 मेरा नंबर है। ये टी ब्लॉक की पहचान कैरेफोर। आज हम इसका डिटेल विजिट करेंगे। इससे पहले कि हम विजिट स्टार्ट करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको बर वक्त अपडेट्स मिलती रहे। DHFA 7 टी ब्लॉक का आज हम डिटेल विजिट करते हैं। ये जून 2024 का ये लेटेस्ट अपडेट है। और कैरेफोर जो है ये टी ब्लॉक के अंदर ओपन हुआ है। कुछ अरसा पहले हमने इसका आपको अपडेट भी किया था, और इसके बिल्कुल करीब एक पेट्रोल पंप भी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 मरला प्लॉट जो है वो तकरीबन 1,55,00,000 रुपए से लेके 2.25 करोड़ रुपए की रेंज में है, और एक किनाल का प्लॉट 2,30,35,00,000 रुपए से लेके टी ब्लॉक के अंदर आपको 4 करोड़ रुपए की रेंज में, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, सेम यू ब्लॉक वाले रेट्स हैं। और यू ब्लॉक के अंदर अभी हमने डिटेल विजिट किया, अभी मैं आपको टी ब्लॉक का भी बिल्कुल बीआरबी के करीब तक का एरिया विजिट कराता हूं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी और इरिटेटिंग होगी, लेकिन जिनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं वो जरूर देखें कि टी ब्लॉक की सिचुएशन क्या है। और अगर आप यहाँ पे सेल परचेज करना चाहते हैं, आप जरूर हमसे राब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको मार्केट से बेस्ट प्राइस लेके देंगे। ये आप देख सकते हैं टी ब्लॉक में बेहतरीन लोकेशन पे सारे घर जो हैं वो बन रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, 15 फिट की ग्रीन बेल्ट है, 50 फिट वाइड रोड होता है किनाल के सामने, और 50 फिट फ्रंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 90 फिट डेप्थ मिलती है किनाल की, और खूबसूरत लोकेशन में आपको यहाँ पे घर नजर आएंगे। ये आप देखें, ये पूरी स्ट्रीट्स जो हैं खूबसूरत तरीके से डेवलप हैं। ये भी मैं आपको विजिट कराता हूँ। 10 मरले का प्लॉट जो है उसका 35 फिट फ्रंट होता है, 65 उसकी डेप्थ होती है। उसके सामने भी आपको 50 फिट वाइड रोड मिलता है। 50 फिट वाइड रोड के अंदर तकरीबन 20 फिट का रोड कार्पेट होता है, और 15-15 फिट की ग्रीन बेल्ट होती है। तो आप अगर यहाँ पे प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो स्मार्ट रियल स्टेट DHA के रजिस्टर्ड एजेंट हैं, हम आपको इंशाल्लाह मार्केट से बेस्ट प्राइस लेके देंगे, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। ये आप देखें, ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है ये DHA Phase 7 टी ब्लॉक में है। अभी हम मजीद इसकी डेप्थ में जाते हैं, जो कि बिल्कुल BRB के करीब है। ये पूरा एरिया बड़े खूबसूरत तरीके से डेवलप कर दिया गया है, और टी ब्लॉक के अंदर ओवरसीज ब्लॉक है, वो भी उन्होंने फेंस कर दिया है सारा। अगर आप उसको विजिट करें तो आपको आइडिया होगा, टी ब्लॉक में ओवरसीज ब्लॉक जो है वो बनाया गया था, उसका पोजेशन दे दिया गया है। वहां पे भी 3.5-4 करोड़ रुपए की रेंज में प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। और DHA में नेक्स्ट लेवल पे अब बिल्डर्स जो है वो घर बना रहे हैं। ये आप देखें, इस घर के अंदर उन्होंने पोर्च के अंदर एक पुराना दरख्त जो है उसको बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो डिजाइन करके फिक्स किया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं, ये सामने जो आपको फेंस नजर आ रहा है, ये टी ब्लॉक ओवरसीज, जो टी ब्लॉक के अंदर ओवरसीज इनक्लेव है, उसको पूरा फेंस करके सिक्योर कर दिया गया है। तो आप यूं समझ रहे हैं कि ब्लॉक विद इन अ ब्लॉक है, और बिल्कुल सिक्योर कर दिया गया है। ओवरसीज को ये डेवलप करके दिया गया है, और इसकी सेल परचेज भी आप हमसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी राइट साइड पे जितनी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये DHA Phase 7 का टी ब्लॉक है, जहां पे 10 मरला का प्लॉट आपको तकरीबन 1,55,60,00,000 से लेके 2,20,25,00,000 रुपए की रेंज में मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं प्लॉट खरीदने में एक किनाल, तो आपको 2.25 करोड़ रुपए से लेके 4 करोड़ रुपए की रेंज में, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, प्लॉट्स मिलेंगे। ये देखें आप, बड़ा खूबसूरत 4 किनाल के अंदर घर बनाया, जिसमें 2 किनाल का लॉन है, और पीछे 2 किनाल का बड़ा खूबसूरत घर जो है वो डिवेलप किया गया है। इसी तरह ये पूरा अगर आप देखें तो पीछे इसका कमर्शियल एरिया भी आपको ओवरसीज ब्लॉक के बिल्कुल करीब इसका कमर्शियल एरिया नजर आएगा, उसकी भी बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं। बैक साइड पे आप बर्की रोड से जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, और बिल्कुल BRB कैनाल के करीब का एरिया मैं अभी आपको विजिट करा रहा हूँ, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो बिल्कुल
अपर पोर्शन था जो कि वी ब्लॉक के करीब था, और यू ब्लॉक का अपर पोर्शन टी ब्लॉक के करीब से हमने स्टार्ट किया, और ये टी ब्लॉक का लोअर पोर्शन है जहां पे आपको 10 मरला के मिनिमम प्लॉट्स जो हैं वो 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए की रेंज में मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ इसकी फैसिलिटीज बताता चलूं। यहां पे इसके अंदर पार्क्स भी हैं, स्कूल भी हैं, और इस तरह की मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट के लिए डीएचए ने जगह मुख्तस की हुई हैं, और यहां से आप 5 मिनट की ड्राइव पे डीएचए फेज 6 के अंदर मुख्तलिफ स्कूल्स और आप अपनी बेसिक यूटिलिटीज को पूरा करने के लिए तमाम फैसिलिटीज को अप्रोच कर सकते हैं। स्कूल्स का मैं आपको जिक्र कर देता हूं, इसमें सलामत स्कूल है, रूट्स इंटरनेशनल है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, लेकिन हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है, अपने ब्लॉग की वीडियो को देखेगा लेकिन उनको भी आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा बीकन हाउस इंटरनेशनल स्कूल है, सिटी स्कूल है, LSE यूनिवर्सिटी है, लम्स है, और इसके अलावा लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी आपको इसके करीब नजर आएगी। तो अभी ये मेन डिवाइडिंग रोड है जो जो कि डिवाइड कर रही है टी ब्लॉक के राइट साइड के पोर्शन को, और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे भी आप टी ब्लॉक का पूरा पोर्शन आप देख सकते हैं। बिल्कुल BRB तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है, मैं बिल्कुल डीप जाके आपको विजिट करा रहा हूँ। सामने BRB केनाल है, केनाल के करीब, चूंकि ये DHA फेज 7 का डेड एंड है, इस वजह से आपको इतनी डीप जाके विजिट कराना मकसूद है ताकि आपको आइडिया हो कि BRB केनाल के करीब भी यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन नजर आएगी। ये देखें टी ब्लॉक का 1400-1500 की नंबरिंग का ये पोर्शन है इस साइड पे, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल पीछे जाके 10 मरला कटिंग के अंदर आपको सारी ये 1800 की नंबरिंग है, और ये जो स्ट्रीट बोर्ड लगा हुआ है ये भी 1800 और 1700 की रेंज में जितने घर आपको नजर आएंगे। बिल्कुल पीछे जाके 10 मरला तकरीबन 2 करोड़ माइनस प्लस आपको प्लॉट मिल जाएगा, और बेहतरीन आप यहाँ पे 50 फीट वाइड रोड के ऊपर घर बना सकते हैं। ये अगेन 1700 की नंबरिंग इस स्ट्रीट में चल रही है, और ये पूरा एरिया जो है वो डेवलप हो रहा है। 1700 और 1600 की नंबरिंग, ये DHA फेज 70 ब्लॉक का मैं आपको डिटेल विजिट करा रहा हूँ, और साथ साथ ये ब्लॉक्स भी अब साफ होते जा रहे हैं। पीछे तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको नजर आती है, सामने ये आप देख सकते हैं कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, ये जो टी ब्लॉक का कमर्शियल प्लॉट यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। आपको बेसिक यहाँ पे ग्रॉसरी नीड्स यहाँ से पूरी हो सकेंगी। ये आप देखें किनाल का कितना खूबसूरत घर जो है वो डेवलप हो रहा है। इसी तरह ये 10 मरला कैटेगरी के घर जो हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। तो खूबसूरत सारा एरिया डेवलप है, और बेहतरीन लोकेशन के ऊपर अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप स्मार्ट रियल एस्टेट से रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको मार्केट से बेस्ट प्राइस लेके देंगे। और इसके अलावा इसके करीब जो एरिया आपको नजर आएगा वो ओवरसीज ब्लॉक है, वो भी मैंने आपको पहले विजिट कराया था। टी ब्लॉक में थोड़े से 5 मरला के प्लॉट्स भी हैं, वो भी तकरीबन 1.5 करोड़ 1.6 करोड़ रुपए की रेंज में, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, इस वजह से रेयर प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं और अपनी कीमत यहाँ पे मांगते हैं। और टी ब्लॉक में एक दरबार भी है, अगर आप प्लॉट खरीदें तो इसका भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई सस्ता प्लॉट मिल रहा है उसकी आप लोकेशन, उसकी सराउंडिंग जरूर देखें। अगर आप नहीं आ सकते, आप स्मार्ट रियल एस्टेट से रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट विजिट करके बता देंगे, और अगर आप हमें अपनी खिदमत का मौका देंगे तो हम अपनी पूरी तसल्ली करेंगे और आपको ऑन ग्राउंड लोकेशन भी बताएंगे, और साथ में इसकी सिचुएशन सराउंडिंग में क्या है, कितने घर हैं, क्या उसका मोहल्ले वकू है, वो भी हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर अंदाज में बता सकें। तो ये टी ब्लॉक का पूरा एरिया है जो कि डेवलप हो चुका है, और BRB वाली साइड से वापस हम इसके मेन पोर्शन की तरफ जा रहे हैं ताकि आपको बेहतर अंदाज में आइडिया हो सके। तो टी ब्लॉक का भी हमने कंप्लीट विजिट किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद दोबारा से आपको अपडेट करेंगे। थोड़े से प्लॉट्स हैं 5 मरला के, और वो भी डेवलप हो रहे हैं,
और वो इसके अपर पोर्शन के अंदर हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इतने ज़्यादा प्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते और वो 1.5 करोड़ 1.65 करोड़ की रेंज में आपको वहाँ पे 5 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। और वो जो 5 मरला प्लॉट्स का पोर्शन है वो भी मैं आपको विजिट कराता हूँ, हमने लास्ट टाइम स्किप कर दिया था। ये आप देखें 5 मरला बिल्कुल संगम में है, बिल्कुल सेंट्रलाइज लोकेशन पे। ये देखें आप, ये 5 मरला टी ब्लॉक की पट्टियां हैं। यहाँ पे आपको 1.5 करोड़ माइनस प्लस में 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है, जो कि सारी स्ट्रीट्स में घर बने हुए हैं और गुंजान आबाद है। और अगर आप यहाँ पे प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें। तो ये टी ब्लॉक का डिटेल विजिट था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।